गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोयम पढ़ेंगे एंड द पोयम नेम इज़ द ट्रीज़। और ये पोयम जो है एड्रिन रिच द्वारा लिखी गई है। दिस पोयम द ट्रीज़ इज़ रिटन बाय एड्रिन रिच। और स्टार्ट में वर्ड मीनिंग करेंगे बिकॉज वर्ड मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज़ ब्यूरी। ब्यूरी मीन्स छिपाना, डिसंगेज मुक्त होना, क्रैक्स दरारें, स्ट्रेन दबाव, ट्विग्स छोटी टहनियाँ, स्टिफ ऐंठ जाना, एक्जर्शन प्रयास, लॉन्ग क्रैम्ड लंबी, लॉन्ग मीन्स लंबी, क्रैम्ड मीन्स तंग सक्री, बॉज शाखाएं, शफलिंग घसीटते हुए, हाफ डेज्ड थोड़े भौचक्के, स्केयर्सली मुश्किल से, लाइकन काई या शैवाल को भी बोलते हैं, पानी में जो काई आ जाती है या पानी के जो अंदर के वो छोटे मोटे पौधे होते हैं उसको लाइकन बोलते हैं, विस्पर कानाफूसी, कानाफूसी खुसफुसाहट करना, स्टम्बलिंग लड़खड़ा रहे, टम्बल मीन्स होता है लड़खनाना, एंड फ्लैश मीन्स कौंधना। ओके, नाउ वी विल सी द समरी ऑफ द पोयम। एंड द समरी ऑफ द पोयम इज The poem The Trees written by Adrian Rich is about decorative plants. ये जो poem है ये Adrian Rich द्वारा लिखी गई है। और ये poem जो है decorative plants, जो सजावटी पौधे होते हैं हम लोग घरों के अंदर लगा लेते हैं, उन पौधों के बारे में, जो छोटे छोटे pots में गमलों में हम घरों के अंदर लगाते हैं उनके बारे में है। द प्लांट्स आर ग्रोन विद इन द फोर वॉल्स एंड इन नो वे दे कैन हेल्प द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो चार दीवारी के अंदर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो किसी भी तरीके से वो लोग जो हैं किसी पक्षी को या किसी इंसेक्ट्स को, कीट पतंग को, किसी भी जानवर को मदद नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स कांट सिट ऑन द ब्रांचेस। अब मदद कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पक्षी जो है घर के अंदर जो लगे हुए पौधे होते हैं उनकी शाखाओं पर बैठ नहीं सकते हैं, एंड द इंसेक्ट्स कांट हाइड इन देम। और जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो उसमें छुप नहीं सकते हैं। दे डोंट हैव एनी शेड, दे डोंट गिव एनी शेड। और ये जो पेड़ होते हैं घरों के अंदर के जो पौधे होते हैं, ये छाया भी नहीं देते हैं। देयर ट्विग्स आर स्टिफ, उनकी जो टहनियाँ होती हैं, छोटी टहनियाँ जो होती हैं वो ऐंठी हुई होती हैं, टाइट हो जाती हैं। देयर बॉज आर लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, और उनकी जो शाखाएं होती हैं वो एक जैसे हॉस्पिटल से कोई नया नया पेशेंट अभी डिस्चार्ज हुआ है वैसी होती हैं, मतलब ये हाफ डेज्ड बोला, हाफ डेज्ड वर्ड हमने पढ़ा है वर्ड मीनिंग में, मतलब थोड़े थोड़े भौचक्के से लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, थोड़े भौचक्के हैं, तो उनकी शाखाएं जो हैं उस न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह होती हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट, वो रोशनी से वंचित रहते हैं, रोशनी से रहित होते हैं, क्योंकि घर के अंदर इतनी रोशनी नहीं जाती है। देयर लीव्स रश टूवर्ड्स द ग्लास विंडो फॉर लाइट, और बिकॉज दे फील सफोकेटेड इन देयर स्मॉल पॉट्स एंड पैन। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्लास की, कांच की जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसकी तरफ बढ़ती है लाइट के लिए, रोशनी के लिए, क्योंकि वो जो हैं उस छोटे से पॉट में, छोटे से बर्तन में, छोटे से गमले में जो है वो सफोकेटेड फील करती है, मतलब सफोकेट होता है दम घुटना, सांस ना आना, ठीक है, तो वो अंदर घर के अंदर जो है वो ऐसा फील करती हैं, तो वो ग्लास की जो विंडो होती है उसकी तरफ जाती है। द पोएट इज सिटिंग इनसाइड हर रूम, ये इसमें पोएट जो है वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई है। शी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो एक वो लंबे पत्र लिखती हैं, उस समय पत्र लिख रही होती हैं। इट इज़ द नाइट टाइम एंड शी कैन सेंस द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीचिंग इनसाइड हर रूम, और ये रात का समय है और वो जो है पत्तियों की और काई की या शैवाल की जो स्मेल जो है, गंध जो है उसके रूम में आ रही है, तो वो उसको सेंस कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। द पोएट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिज़ायर दैट दीज ट्रीज शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू गेट लाइट एंड एयर। अब पोएट जो है वो उनको वो बहुत तीव्र इच्छा है कि ये जो पेड़ हैं, दे शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू गेट लाइट एंड एयर, कि ये अपनी अपना पूरा प्रयास इनको करना चाहिए लाइट, रोशनी और हवा पाने के लिए। इट इज़ अ फुल मून नाइट,
वेयर द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। ये पोयम जिस समय की बात हो रही है ये फुल मून नाइट है, मीन्स चंद्रमा पूर्णिमा की जो रात होती है उसको बोलते हैं फुल मून नाइट है। वेयर द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, जहाँ चंद्रमा जो है खुले आसमान में चमक रहा है, एंड द नाइट इज़ वेरी फ्रेश, और रात जो है बहुत ही फ्रेश है, तरोताजा है। द पोएटेस लिसन्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स। अब ये जो पोएट हैं, कवित्री जो हैं, इसकी राइटर जो एंड्रिन रिज, वो जो हैं पत्तियों की जो आवाज़ है, जो पत्तियों में से आवाज़ आ रही है उसको सुनती हैं, एंड लाइकन्स ऑफ द ट्रीज, और पेड़ की जो लाइकन वो काई और शैवाल की आवाज़ आती है उनको सुनती हैं। दीज साउंड्स विल नॉट बी देयर इन द मॉर्निंग, और ये जो आवाज़ें हैं जो रात को उस समय आ रही हैं ये सुबह नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? एज द ट्रीज विल मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नाइट, क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये रात को जंगल में चले जाएंगे, एंड विल नॉट बी इन द हाउस बाय मॉर्निंग, और सुबह तक ये घर में नहीं रहेंगे। पोएट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ट्विग्स, और पोएट जो है वो कांच के टूटने की आवाज़ को सुन सकते हैं, और वो कांच के टूटने की आवाज़ क्यों आ रही है? ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ट्विग्स, क्योंकि वो छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके उस प्रयास से ग्लास के टूटने की आवाज़ को पोएट जो है वो सुनती हैं। द ट्रीज हरी आउटसाइड स्टम्बिंग ऑन ईच अदर, पेड़ जो हैं बाहर भागने की जल्दबाजी करते हैं एक दूसरे के ऊपर लड़खड़ाते हुए। एज द ट्रीज गो इन द ओपन, और जब पेड़ जो हैं ऊपर खुले में बाहर खुले में जाते हैं, इट सीम्स लाइक द विंड इज़ मूविंग फास्ट टूवर्ड्स दैम टू मीट दैम, ऐसा प्रतीत होता है कि हवा जो है बहुत तेज़ उनकी तरफ जो है, पेड़ों की तरफ उनसे मिलने के लिए बहुत तेज़ चल रही है। द ट्रीज़ आर सो टॉल दैट दे हैव द मून इन टू पीसेज लाइक अ ब्रोकन मिरर, और पेड़ जो हैं वो इतने लंबे हैं कि उन पर जो है वो चंद्रमा जो है ऐसा दिखा, ब्रोकन पीसेज, ब्रोकन मिरर मतलब जैसे कांच का टूटा हुआ पीस होता है, ऐसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। द मून सिट्स लाइक द क्राउन्स ऑन द हेड ऑफ द टॉल ओक ट्री, और वो जो लंबा ओक का पेड़ है उसके ऊपर चंद्रमा जो है एक क्राउन की तरह, क्राउन होता है सिर का ताज होता है ना, उसकी तरह वो ओक के पेड़ के ऊपर, उस लंबे ओक के पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन दिस पोयम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट द प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स दैट वी हैव इन आर हाउसेस। ठीक है, घर के अंदर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी टहनियाँ जो हैं छत से टकरा रही हैं, छत से टकरा कर मुड़ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पोयम में पोएट ने हमें बताई हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द मीनिंग ऑफ द पोयम एंड अंडरस्टैंड द पोयम क्लियरली। ओके, थैंक यू।